एसबीआई खेलो इंडिया गेम्स का चौथा एडिशन हरियाणा में हो रहा है और आपको देखकर प्रसन्नता हुई होगी कि स्थानीय लोगों में भी कितना उत्साह है। देश भर के 8,500 से ज़्यादा खिलाड़ी, ऑफिशियल्स और जो बाकी रेफरीज आए हैं, इसके अलावा भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हर हॉल में दर्शक बैठे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि हरियाणा में खेलों के प्रति लगाव क्या है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अपने आप में कैसे एक बड़ा टूर्नामेंट बनकर उभरा है। बहुत क्लोज कंपटीशन चल रहा है, जहाँ एक और महाराष्ट्र, कहीं हरियाणा, कभी एक पहले नंबर पर आता है, दूसरा आता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि खेलों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म युवा खिलाड़ियों के लिए मिला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है जो देश भर में एक कंपटीशंस का वातावरण खड़ा करवाया है। इन टूर्नामेंट से अच्छे खिलाड़ियों का चयन होता है, फिर उनको टॉप्स के डेवलपमेंट प्रोग्राम में या टॉप्स के एलीट प्रोग्राम में रखा जाता है, जिनमें हम भविष्य के स्टार्स देखते हैं। परंपरागत खेलों को जितना हम बढ़ावा देंगे, उतना ही दुनिया भर में भारत का नाम भी बढ़ता है, इस खेल को बढ़ावा भी मिलता है। आज कबड्डी बहुत लोकप्रिय हुआ, कल को मलकम की बात करें, थंगटा की बात करें, ये सब खेलों में बहुत एक आकर्षण भी है और यहाँ पर प्रतिभाओं की भी हमारे देश में कोई कमी नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है अगले 10 साल के अंदर इन खेलों को मैं बहुत आगे हुए देखता हूँ कि ये खेल केवल भारत के ट्रेडिशनल खेल नहीं, ये ओलंपिक्स में भी अपना स्थान बनाने के लिए होंगे। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नगरोटा, बंगवा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन्स ओपन नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी टू 12th, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775, 8091711062। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।